एक ही वैन ड्राइव दूसरी भी है। आ गया सर, चलाओ ना फिर मैं नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत सारे दर्शक और जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए थे वो बड़ी देर से पूछ रहे थे कि सोलन सब्जी मंडी में आज मटर का क्या भाव रहा है। मटर का रेट अभी खुला है और मंडी में कल जहाँ 5 रुपये आज 5 रुपये की गिरावट उसमें है। मटर के रेट सोलन सब्जी मंडी में आज खुल गया है। 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में मटर आज बिका है। कल 50 रुपये था और लग रहा था कि मटर के भाव में अब तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि देश भर की मंडियों में विशेषकर दिल्ली में, हमने सुबह भी बताया था कि दिल्ली में मटर के भाव में गिरावट देखने को मिली है और उसका कहीं ना कहीं असर सोलन की सब्जी मंडी पर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बड़ी मात्रा में मटर की आज आपूर्ति हुई है और सभी जितने भी यहाँ पर व्यापारी है वो इंतजार कर रहे थे एक दूसरे का कि कोई रेट खोले, क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वजह थी कि दिल्ली की मंडी में, चाहे अन्य मंडियों की बात करें, तो मटर के भाव में वहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब मटर के भाव तो यहाँ पर जो रेट खुला है वो 45 रुपये है। कल 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में मटर बिका था। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सोलन सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में मटर की आपूर्ति हो रही है। सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों से मटर सोलन सब्जी मंडी में पहुँच रहा है और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें तो किसान भी बड़ी संख्या में सोलन सब्जी मंडी में पहुँचे हुए हैं, मटर लेकर आए हुए हैं और लगातार अब मटर की जो आपूर्ति है वो बढ़ती जा रही है और कुछ दिनों में मंडी का मटर भी सोलन सब्जी मंडी में पहुंचना शुरू हो जाएगा और उसके बाद मटर में के भाव में और तेजी देखने को मिल सकती है, इस तरह की संभावना है बनी हुई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। किसान भाई हो चाहे दर्शक हो, सभी इंतजार कर रहे थे कि मटर का रेट क्या आज रहने वाला है और यही वजह थी कि हम सोलन सब्जी मंडी में अभी तक रुके हुए थे और मंडी में अब मटर का रेट खुला है। 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज मटर बिक रहा है। कल 50 रुपये था, आज 5 रुपये की गिरावट जरूर हुई है। तो वजह यह है कि दिल्ली की मंडी में मटर के भाव में भाव वहाँ पर गिरा है तो उसका असर सोलन की मंडी पर भी देखने को मिला है। लेकिन सोलन में बड़ी मात्रा में मटर की आपूर्ति हो रही है। मटर अच्छी क्वालिटी का है और जो शानदार क्वालिटी का 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में मटर बिक रहा है और आने वाले दिनों में भी मटर के भाव इसी तरह बने रहेंगे। हालांकि किसान संतुष्ट है क्योंकि मटर का इस वक्त यदि हम बात करें तो मटर के भाव सही है, किसानों को पैसा भी ठीक मिल रहा है। आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिलेगी क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मटर की डिमांड गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की मंडियों में बढ़ती जा रही है और उसका कहीं ना कहीं असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। 50 के आंकड़े को एक बार मटर छू चुका है, लेकिन लग रहा है कि आने वाले दिनों में मटर का भाव 50 रुपये से ऊपर भी जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए हम आपके